आदित्यनाथ और उनकी सरकार के मंत्री आज सुबह 9 बजे IIM लखनऊ में क्लास करने जाएंगे। योगी के मंत्री IIM लखनऊ में सुशासन, प्रबंधन, कौशल, जन भागीदारी और नेतृत्व का पाठ पढ़ेंगे। क्लास के दौरान मंत्री सवाल भी पूछ सकेंगे। लंच के बाद मंत्री फिर क्लास में पढ़ने के लिए पहुंच जाएंगे। क्लास समाप्त होने के बाद मंत्रीगण कुछ किताबें, साहित्य और कुछ होमवर्क के साथ अपने घर जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब यूपी की कोई सरकार अपने मंत्रियों को देश के श्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान में शुमार IIM से प्रशिक्षण दिलाएगी। नए मंत्रियों से बेहतर परिणाम और पुराने को अपडेट करने के लिए योगी सरकार के कहने पर IIM लखनऊ ने 3 दिन का विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल मंथन तैयार किया है। अगले 3 रविवार तक योगी सरकार के मंत्री इस मंथन सत्र की क्लास करेंगे। ऑफिस में मंत्रियों की हाजिरी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ। अगले 3 रविवार तक ये मंथन चलेगा, आपको ध्यान ये देना है। योगी के मंत्रियों की आज IIM में ट्रेनिंग है और अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि IIM जैसे संस्थान में अब योगी आदित्यनाथ के मंत्री वहां पढ़ने जाएंगे, सुशासन का पाठ पढ़ने जाएंगे। वहां पर क्या सभी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सभी लोग पहुंचेंगे और कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए राहुल, बिल्कुल ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश की कोई सरकार जो है, यानी योगी सरकार जो है, ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम का जो आयोजन कर रही है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो योगी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो आज जो है मैनेजमेंट, यानी IIM जो है मैनेजमेंट कॉलेज पहुँचेंगे और वहाँ पर जो तमाम जो मैनेजमेंट गुरु हैं उनसे जो है दीक्षा लेंगे। 3 सत्र में चलने वाला ये जो कार्यक्रम है इसमें तमाम जो मंत्री हैं वो सुशासन से लेकर के जो विकास है और इसके अलावा जो क्रियान्वयन है, इसके अलावा वो कैसे जो है अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सरकार में जो है बेहतर जो है योजनाओं को जो है ला सकते हैं। ये कार्यक्रम अनूप बताइए कितने सत्रों में चलेगा, आज के दिन कितने सत्रों में चलेगा? देखिए आज सुबह 9:30 बजे जो है इसकी शुरुआत होनी है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सभी मंत्रियों को 7 बजे जो है 5KD अपने सरकारी आवास पे बुलाया है। वहाँ से एक बस के जरिए जो है सभी मंत्री जो है सीधे IIM मैनेजमेंट कॉलेज पहुँचेंगे। वहाँ पर जो है 9:30 बजे का वक्त होगा जब इस प्रशिक्षण केंद्र की जो है कार्यक्रम की जो ट्रेनिंग की जो है वो शुरुआत होगी। 6:00 बजे तक ये ट्रेनिंग चलनी है। इस बीच में जो है टी टाइम और लंच का भी जो है समय रखा गया है और इसमें सबसे पहले जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है प्राथमिकताएं जो है वो मंत्रियों को दी गई हैं कि वो अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें कि आखिर वो किस विषय पे जो है आज बात करना चाहते हैं। इसके अलावा जो उनकी क्षमता है, जो विकास की क्षमता है, क्रियान्वयन की जो क्षमता है, उसको लेके जो है बातचीत होगी। तो क्या दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए जैसा मैंने बताया ना कि योगी सरकार सभी को लेकर के जो है आज यहाँ पे जो है ये प्रशिक्षण केंद्र पहुँचेगी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो दोनों डिप्टी CM है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जो अभी हाल ही में जिनका विस्तार किया गया है, वो मंत्री से लेकर जो राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। इसका उद्देश्य क्या है? क्या आपकी IIM प्रबंधन से बात हुई या सरकार के किसी प्रवक्ता से आपकी बात हुई? इस तरह की क्लासेस का उद्देश्य क्या है? देखिए योगी सरकार का मकसद यही है कि जिस तरह से अभी हाल ही में जो है कुछ मंत्रियों के कार्य के जो है उसमें बदलाव किया गया, इसके अलावा तमाम ऐसे पहलू भी रहते हैं जहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग से संबंधित जो है कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर कुछ शिकायतें लगती रहती हैं, लापरवाही के आरोप लगते हैं। तो ऐसे में योगी सरकार का की मंशा है कि जो तमाम जो उनकी कैबिनेट के मंत्री हैं उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर वो अपने विभाग से लेकर के जो तमाम योजनाएँ हैं उनको कैसे जो है क्रियान्वित करते हैं, कैसे जमीन पर उतारना है, कैसे पूरे प्रदेश में जो है इस तरह से जो है अपने योजनाओं को लेके जाना है ताकि उसका जो लाभ है वो सीधे जनता तक पहुंच सके। इसके साथ ही जो सरकार है उसकी भी जो है कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच जो है छवि अच्छी बने। तो ऐसे में तमाम यही वजह है कि ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है और 3 दिन ये चलने वाला जो कार्यक्रम है इसमें जो तमाम जो मंत्री हैं पूरी कैबिनेट योगी सरकार की है, जो वहाँ पर जो है मैनेजमेंट गुरुओं से जो है दीक्षा लेगी, तमाम जो है हुनर सीखेगी। इसके अलावा बताया जाएगा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी जो है वो अपनी क्षमता को निखार सकते हैं, कैसे बेहतर जो है निर्णय ले सकते हैं। जानकारी के लिए आप नजर बना के रखिए। आगे बढ़ेंगे, खबर लखनऊ से है। युवक ने अपनी सास को गोली मारी है, खुद को भी गोली से उड़ा दिया है। युवक की
मौत हो गई है। सास की हालत अभी गंभीर है जैसा कि जानकारी मिली है। गोलीकांड से इलाके में सनसनी फैली है। गंभीर हालत में सास का इलाज चल रहा है। गोमती नगर विस्तार का ये मामला है और इसमें जानना ये भी है कि आखिरकार सास को गोली से क्यों उड़ाया, क्या वजह थी। कफीलुर रहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। कफील, ये क्या मामला था, सास को इसने क्यों मारा, किस वजह से मारा? जी देखिए राहुल, आपको बता दें ये पूरा मामला जो था, ये पत्नी से विवाद के बाद जो अभिषेक था उसने अपनी सास को गोली मार दी पैर में, जिसके बाद अभिषेक ने खुद को गोली से उड़ा लिया और उसकी मौत हो गई। पत्नी जो सास है वो अभी घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला गोमती नगर विस्तार का है। आपको बता दें राहुल, कल देर शाम जो अभिषेक था उसकी अपनी पत्नी से विवाद हुआ। पत्नी ने अपनी माँ को बुलाया था घर पे, जिसके बाद फिर सास से भी अभिषेक का विवाद हो गया और अभिषेक ने आपा खोते हुए अपनी सास को गोली मार दी, उसके बाद उसको गोली तोड़ा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका कफीलुर रहमान इस जानकारी के लिए। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान 25,000 का इनामी बदमाश जिसका नाम शाहरुख खान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहरुख खान के पास एक तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक बरामद की गई है। घायल बदमाश जिला अस्पताल में एडमिट है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके ऊपर 25,000 का इनाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। बुलंदशहर कोतवाली देहात में मुठभेड़ हुई है। मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनोज जी, ये बताइए कि पुलिस ने मुठभेड़ की मंशा से इसको अंजाम दिया या चेकिंग कर रही थी, पहले इन लोगों ने गोली मारा फिर फायरिंग की? जी बता दें राहुल, ये मामला बुलंदशहर देहात का है जहां एक बाइक आते हुए पुलिस कर्मियों ने उसको रोकने की कोशिश की गई, जहां एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद में बदमाश पुलिस ने भी बचाव के लिए फायर, जिसके बदमाश के पैर में गोली लग गई है। जी गाजियाबाद से बुलंदशहर बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये बदमाश शाहरुख बुलंदशहर आया था। एक इसका साथी है, वो मौके से फरार हो गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज कुमार इस जानकारी के लिए। एक साथी फरार हो गया है। मुजफ्फरनगर से खबर है, युवक पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। एक युवक पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, यानी ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है। इस फायरिंग में लड़की के चाचा को गोली लगी है। शादी में दहेज को लेकर यह विवाद हुआ था। लड़के पक्ष के 4 लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। दहेज में कांस्टेबल ने कार और बुलेट की मांग की थी, यानी कांस्टेबल को कार भी चाहिए थी और बुलेट भी चाहिए थी, ये दोनों ही चीजें चाहिए थी। लड़की के चाचा जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिए गए। बुढ़ाना के बाड़ौत रोड का ये मामला है जहां पर दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की है। फायरिंग में लड़की के चाचा को गोली लगी है। क्योंकि ये दहेज से जुड़ा हुआ मामला है, शादी में दहेज को लेकर विवाद हुआ था। कांस्टेबल एक है जिससे शादी होनी तय थी, 4 लोगों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। असल में कांस्टेबल जो था वो कार और बुलेट दोनों मांग रहा था, यानी उसे कार भी चाहिए थी और बुलेट भी। और वो लोगों को पाठ पढ़ाते होंगे कि दहेज मत लीजिए, दहेज लेना कानूनन अपराध है, लेकिन वही कांस्टेबल दहेज ले रहे हैं, वो भी एक के साथ एक फ्रीवा टाइप में, यानी कार भी चाहिए और उन्हें बुलेट भी चाहिए। 4 लोगों पर गोली चलाने का आरोप है और अभी तक कांस्टेबल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लड़की के चाचा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिए हैं, उनकी हालत नाजुक है। सचिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जरा क्लियर बताइए, जो कांस्टेबल है उसकी तरफ से ये दहेज की मांग की गई थी कार और बुलेट की, उसके बाद हुआ क्या, वो बताइए। बिल्कुल राहुल, आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक थाने में तहरीर आई थी जिसमें एक कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कांस्टेबल है, उसने दहेज के चलते एक शादी से इनकार कर दिया था लड़की से शादी करने के लिए। लेकिन अब एक नया मोड़ आया है जहाँ देर रात्रि एक लड़की के चाचा को गोली मारी गई है और लड़की के चाचा का आरोप है कि लड़के के जो परिवार थे उन्होंने गोली चलाई है और गंभीर हालत के चलते चाचा चिकित्सालय में भर्ती है। जी क्या कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज की गई, चूंकि दहेज के लिए वो शादी से इनकार कर रहा था? राहुल आपको बताना चाहूंगा, पहले जो तहरीर दी गई थी लेकिन यहाँ कस्बे के जो मौजूदा लोग थे उन्होंने इसमें पूरे मामले में समझौता करा दिया था, फैसला हो गया था, लेकिन यानी उसके बाद ये पुलिस का इंटरनल मामला है इसलिए इस मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है।
अगर आपके विभाग में भी कोई ऐसा ऑफिसर है, कर्मचारी है जो गलत कार्य कर रहा है, उसे उसकी सही जगह पहुंचानी चाहिए, यानी जेल। बहुत शुक्रिया सचिन इस जानकारी के लिए। गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र के सहादतपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की रहने वाली 25 वर्षीय रानी ने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर खुद को आग लगाकर जान दे दी। ग्रामीणों का आरोप है कि लड़की ने एक माह पूर्व पुलिस से भी इस मामले में गुहार लगाई थी और उसकी गुहार नहीं सुनी गई। और आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, जब पुलिस से जानकारी दी जाती है, पुलिस को बात बताई जाती है, लेकिन पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है। जमीन विवाद का ये मामला था, सदर कोतवाली का ये मामला है, बड़ी खबर है। इस बीच गाजीपुर दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आशुतोष त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशुतोष, जब पुलिस को इस मामले की जानकारी थी एक महीने पहले ही, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, ये जैसा ग्रामीणों ने बताया कि जंगीपुर थाने में जो प्रेमिका थी उसने एक महीने पहले एप्लीकेशन दिया हुआ था। जब लड़का उसे शादी के लिए इनकार करने लगा, क्योंकि 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, एक ही गांव के दोनों थे, सभी लोग जानते थे, लेकिन जो है लड़के ने मना कर दिया शादी से, इसलिए। और उसी दौरान पंचायत भी चल रही थी, लड़की घर पे गई और उसने आग लगा लिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले, करीब करीब जो 95% लड़की जल गई और उसके बाद जो है जिला अस्पताल ले गए जहाँ उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने शायद अगर उचित कदम उठाया होता तो ऐसा नहीं होता। और ग्रामीण ये कहते हैं कि भाई, जब किसी का प्रेम प्रसंग 4 साल से अगर चल रहा है, सारे लोग जानते हैं, ऐसे में अगर लड़का शादी से इनकार करता है तो लड़की पे गलत असर पड़ता है और उसका परिणाम हो इतना खौफनाक कदम उसने उठा लिया। चलिए, बिल्कुल आशुतोष, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। गाजीपुर से एक खबर और है। गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र के सहादतपुर गांव में दिल दहला देने वाली, अब देखिए ये थोड़ा सा गाजीपुर की दो खबरें थी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों खबर को ध्यान से समझना और सुनना है। 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष त्रिपाठी आपको बता भी रहे थे। ये जंगीपुर के शहादत गांव का मामला है। गाजीपुर में प्रेमिका ने आग लगाकर जान दे दी है। प्रेमी के द्वारा जब शादी से इनकार कर दिया गया, वो मुकर गया, उसके बाद प्रेमिका ने ये कदम उठाया। 4 साल से इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। खबर कुशीनगर से है। व्यवसायी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में व्यापारी गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली है। हाटा कोतवाली के देवडार पिपरा का यह मामला है। कुशीनगर व्यवसायी पर बदमाशों ने फायरिंग की है। व्यापारी को बदमाशों ने 4 गोली मारी है। कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, ये मामला किस वजह से सामने आया, क्या इसमें पीछे क्या है इस मामले के? जी राहुल, आपको बताना चाहूंगा, हाटा कोतवाली के देवडार पिपरा का ये मामला है। कल देर रात लगभग 10 बजे के लगभग की ये घटना है। वहाँ एक व्यवसायी है जो कि किराना की दुकान किए हुए है, अजय मदिशिया। इसकी दुकान पे एक आदमी आता है और पैसे के लालच में इस व्यक्ति को गोली मारता है। इसको 4 गोलियां लगी हुई हैं, जो कि सीने में नीचे लगी है, पीछे बाएं शोल्डर में है, पैर के घुटने में है। ऐसे ही जब ये गोली लगती है तो फिर इसको हाटा सीएससी पे उपचार के लिए ले जाया जाता है। लेकिन एक गोली जो कि बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि जिसमें जान जा सकती है, तो यहाँ डॉक्टरों ने अपने को करते हुए और इनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। जी, शुक्रिया कुंदन इस जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में, चूंकि लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट खबर है। लखनऊ के मेहंदी जुलूस निकाला गया है। मेहंदी जुलूस निकाला गया है। मुहर्रम के मौके पर मेहंदी जुलूस निकाला गया है। बड़ा इमामबाड़े से निकाला गया है जुलूस। इमाम हसन के बेटे की याद में जुलूस निकाला जाता है। इसे मेहंदी जुलूस कहते हैं। मुहर्रम के मौके पर यह जुलूस निकाला जाता है।
खबर कौशाम्बी से है, जहां कोखराज थाना इलाके के मूरतगंज कस्बे में एक युवक टावर पर चढ़ गया। युवक ने टावर पर चढ़कर काफी देर तक हंगामा किया और जान देने की धमकी भी देने लगा। मुजाहिदपुर गांव निवासी अशोक कुमार पटेल घर वालों से किसी बात से खफा होकर कस्बे में लगे टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद युवक को टावर से उतारा। क्या आज भी जमीन के भीतर खजाना दफन हो सकता है या फिर ये कोरी कहानियां हैं? हरदोई में वो हुआ जिससे सबकी आंखें खोली की खोली रह गई। जमीन ने जब खजाना उगलना शुरू किया तो इलाके में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हरदोई के सांडी कस्बे में जमीन ने खजाना उगला, वो खजाना जिसे मकान मालिक छुपाना चाहता था, लेकिन मकान मालिक की ये तरकीब उसके काम नहीं आई है और बात गांव में फैल गई। गांव में खजाना मिलने की खबर जब जंगल में आग की तरह फैली तो बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने जमीन में गड़े इस खजाने पर अपना दावा ठोक दिया, लेकिन मकान मालिक ने खजाना मिलने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने अपनी पुरानी तरकीब निकाली और आखिरकार खजाने का पता लगा लिया। 100 ग्राम के सोने के जेवरात, 4.5 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात और पीतल का लोहा बरामद हुआ, जिनकी अभी तक मौजूदा मार्केट मूल्य के हिसाब से करीब 25 लाख रुपए की कीमत प्रतीत होती है। और सारे सामान को सील करके DM साहब के मार्फत उसको पुरातत्व विभाग को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस को खजाने में मिला 650 ग्राम सोने के आभूषण, 4 किलो 538 ग्राम चांदी, एक पीली धातु का लोटा। पुलिस ने खजाने की बरामदगी करते हुए पुरातत्व विभाग को भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी कुछ जमीन में दबा होगा वो सरकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वाराणसी में छात्रों से हैवानियत का मामला सामने आया है। विरोध करने पर छात्रों की पिटाई की गई है। क्यों छात्रों की पिटाई की गई है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छात्रों से हैवानियत, विरोध करने पर पिटाई, पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपी वार्डन सस्पेंड, प्रधानाचार्य भी नपे। जमीन पर बिलबिलाते तड़पते छात्रों का ये वीडियो किसी को भी हैरान कर देगा और इसका कारण जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मामला धर्मनगरी काशी के मुमुक्षु भवन वेद वेदांग महाविद्यालय का है। जहां यौन शोषण के विरोध कर रहे छात्रों को प्रिंसिपल ने बुरी तरह पीट दिया, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। छात्रों ने हॉस्टल के वार्डन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। राम प्रसाद द्विवेदी, क्या हुआ था? हमारा तबियत खराब था, कमर में दर्द था, गए थे उनसे दवाई लाने, मेरे साथ गेट बंद कर और मेरे गमती को चुम्मा चपड़ी करने लगे। मेरे पिताजी नहीं है, मुझे धमकाते हैं कि तुमको यहाँ से निकाल देंगे, किसी से बताए तो। रात को जब मैं किताब लेने गया तो वो बुलाए अपने रूम में, तो मैं सोचा कि दवाई देने के लिए बोले थे वो देंगे, तो वो अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिए। तो सुना आपने, छात्र अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी को किस तरह से बयां कर रही है। वायरल वीडियो की जांच जब की गई तो मामला संदिग्ध निकला। हालांकि पूरे मामले में प्रधानाचार्य और आरोपी वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। बच्चों को मारा पीटा गया था संस्था के प्रबंधक द्वारा, उसी के संदर्भ में आया था, वही मैं बैठा हूँ जांच करने के लिए, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, क्या वजह थी, क्या सही है क्या गलत है, उसी संदर्भ में बैठा हूँ, देखिए क्या निकल के आता है, फिर आगे बताना मुझे। छात्रों के साथ हुई हैवानियत के बाद हर तरफ आक्रोश है। लोग आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
भारत समाचार के लिए वाराणसी से रोहित सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में बच्चे की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। कौन है जिसने बच्चे का कत्ल किया है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा बिहारी गांव में एक बच्चे की सिरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चा दो दिन से लापता था। हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई है कि देखने वाले की रूह कांप उठे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। इधर परिजनों का कहना है कि पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है, ना तो कार्रवाई कर रही है और ना ही अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। अब इसको ढूंढ रहे थे तो एसओ साहब ने मना किया, कहने लगे अफवाह मत फैलाओ, यहाँ पर मत ढूंढो, तुम्हें जेल करा देंगे, ये करा देंगे। नहीं ढूंढने दिया इन्होंने बच्चे को। अब सुबह ढूंढा सब लोगों ने तो यहाँ पे मिला ही है। बच्चे की हत्या सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। अगर समय से लापता बच्चे को खोज लिया होता तो मासूम को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। सचिन त्यागी, मुजफ्फरनगर, भारत समाचार। राजधानी लखनऊ के गन्ना संस्थान में आज हिंदी दिवस पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें हिंदी और हिंदी पर हावी होती अंग्रेजी भाषा को लेकर चर्चा की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हिंदी आज राष्ट्रभाषा है, ज्यादातर जगहों पर हिंदी को बोलने और सुनने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। हिंदी पखवाड़ा के आयोजन में ज्यादातर वक्ताओं ने हिंदी को आमजन की भाषा बताया है। हिंदी को भारत की संविधान सभा ने बहुत सम्यक विचार विमर्श के बाद राजभाषा घोषित किया था। कुछ कठिनाइयां थीं उस समय संविधान निर्माताओं के सामने, इसलिए थोड़े समय के लिए अंग्रेजी की बात थी। अब तो हिंदी अपने दम पर, अपने संपर्क के आधार पर, अपने बोलने वालों के आधार पर और अपने साहित्य के आधार पर, अपने ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुभूति कविता इसके आधार पर देशव्यापी हो चुकी है। आगरा से खबर है, यूती ने मंचले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पार्क में मौजूद पर्यटकों ने भी जमकर पीटा है। पिटाई के बाद मंचले ने माफी मांगी है, युवती के पैरों में गिरकर माफी मांगी है। युवक की पिटाई का वीडियो भारत समाचार के जरिए आप देख रहे हैं। नाई की मंडी के सुभाष पार्क का यह मामला है। पिटाई के बाद मंचले ने माफी मांगी। और इस वक्त कफीलुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं पांच कालिदास मार्ग से। असल में सभी मंत्री यहां पहुंचने लगे हैं, इसके बाद ये आईएमएम पहुंचेंगे एक बस के द्वारा, इनसे जानकारी लेंगे। कफीलुर रहमान, अब तक कौन कौन से मंत्री वहां पहुंच चुके हैं? चलिए कफील तक पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, ये पांच कालिदास की है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर की। और अभी खबर जो मिली है भारत समाचार को, इसके हिसाब से तमाम मंत्री पहुंचना शुरू हो गए हैं वहां, जैसे कि अशोक कटारिया, ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मोहसिन रजा, ये सारे मंत्री, सुरेश राणा, आशुतोष टंडन। कफीलुर रहमान, जरा ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय लोग हैं वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं आईएमएम में, अभी तक कौन कौन से माननीय पहुंचे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, क्लास लेने के लिए?
जी देखिए राहुल, आपको बता दें सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वाति सिंह, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन समेत तमाम जो मंत्री हैं वो सभी मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात चल रही है। इसके बाद यहां से 9 बजे IIM कॉलेज के लिए निकलेंगे सभी मंत्री। 3 बस बुलाई गई है, 3 बस में सभी मंत्री बैठकर IIM तक जाएंगे, उसके बाद वहां पर उनकी क्लास चलेगी। तो अब पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, अब बस कुछ ही देर में यहां से मंत्रियों के निकलने का दौर भी शुरू हो जाएगा। जी यानी अब से कुछ ही देर में मंत्रियों के निकलने का दौर भी शुरू हो जाएगा और 3 बस बुलाई गई है। अब माननीय अपनी कार से नहीं जा पाएंगे, ना उन्हें फ्लीट मिलेगी, 3 बस के जरिए वो IIM पहुंचेंगे, उन्हें क्लास दी जाएगी और क्लास ये दी जाएगी कि आपको जनता से बात कैसे करनी है, आपको फाइलों का निस्तारण कैसे करना है, आपको उत्तर प्रदेश को आगे कैसे ले जाना है। चूंकि अब मामला बड़ा प्रोफेशनल हो गया है और इसी प्रोफेशनलिज्म की वजह से इन माननीय मंत्रियों को ये सिखाया जा रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत शुक्रिया कफीलुर रहमान इस पूरी जानकारी के लिए आपका, और इस खबर के साथ ही सुबह समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।